इनके लिए ग्राउंड है जिसमें 10 प्रश्न है आपके। ये प्रश्न मैंने जैसे आपको बताया कि जीके और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान या करंट अफेयर या हरियाणा की जो सामान्य ज्ञान है उस पर आधारित हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड ऑफ रैपिड फायर राउंड, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टीम फर्स्ट लिली एंड प्लीज। हरियाणा में कुल फूल उत्कृष्ट केंद्र कहाँ है, फूल उत्कृष्ट केंद्र कहाँ है? रॉन्ग। विधानसभा द्वारा कब संविधान का पाठ किया गया था? हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म का नाम क्या है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? रॉन्ग। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह कहाँ मनाया जाता है? राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कहां से हुई? मुख्य चुनाव, रॉन्ग। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर। हरियाणा के किस शहर में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है? रॉन्ग। असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? ओके, टाइम ओवर एंड टीम फर्स्ट लिली। पीछे थोड़ा एक क्वेश्चन बाइट टू मार्क्स टीम फर्स्ट लिली और टू मार्क्स ओनली फ्रॉम देयर रैपिड फायर राउंड। सो टीम टू लोटस आर यू रेडी? देख लिया आपने कैसे होता है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? समझ में ठीक आया आपको? आपने देख लिया कि पास फेल कैसे करते हैं? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टीम टू। एशिया का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए। हरियाणा के किस जिले में कॉपर की प्रचुरता है? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू होता था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? हरियाणा का प्राचीनतम लोक नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य बॉक्सिंग का पावर हाउस के नाम से हरियाणा के किस नगर को जाना जाता है? संविधान के कौन से भाग का संविधान किसे आत्मा कहते हैं? हरियाणा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? संविधान के कौन से भाग का संविधान की आत्मा कहा जाता है? इस टाइम ओवर। नो राइट आंसर फ्रॉम टीम टू लोटस। Let's start from team B. Rose, ready? देख लिया आपने? आंसर आ गया, आंसर तो नहीं आ रहा तो पास बोले, पास कुछ तो बोलो, पास रूप बोले। रेडी, लेट्स स्टार्ट। हरियाणा के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? रॉन्ग। करण काट किला हरियाणा के किस शहर में स्थित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा में सबसे ज्यादा तीर्थ स्थल कहां है? खनिज संसाधनों में हरियाणा का कौन सा जिला प्रमुख है? भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार किस राज्य में प्रयोग की गई? रॉन्ग। हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? रॉन्ग। पंचकुला शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? अब बता दें, टाइम इज ओवर। देयर इज नो राइट आंसर ऑन टीम 3 फ्रॉम रैपिड फायर राउंड।
थोड़ा सा माइंड को अवेयर करो, जैसे क्वेश्चन सुना वैसे ही उसे आंसर निकालो, थोड़े से कंसंट्रेशन, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो बच्चे, कोई ऐसे नहीं करो। सब कुछ पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन सही आपके सिलेबस में से आया हुआ क्वेश्चन, भारत का संविधान अभी आप लोगों ने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया है बकायदा, हर एक स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशन डे पे आया तो बता ऐसा हो सकता है ये तो ग्राउंड पर क्वेश्चन मिल सकता है, ये प्रश्न नहीं मैंने आंसर नहीं दिया इसका, दे दिया ना आपने नहीं, हरियाणा को बता दें ये इनके लिए संविधान कंफ्यूज हो रहे हैं सर बच्चे, ये प्रश्न ना तैयार कर रखे हैं कुछ टीम ने, तो नहीं मैं वैसे बच्चों को बोल रही, बच्चे बिल्कुल ना ब्लैंक हो गए हैं, डर गए हैं, इस वजह से यहां कोई प्रश्न का बताओ तो मैं हो सकता हूं, इसलिए आप क्वेश्चन ला ठीक है जी ने, चलो नेक्स्ट रैपिड फायर राउंड आपके लिए टीम फोर तैयार है, लोकसभा के अध्यक्ष का कौन चुनता है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, राइट आंसर, हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार कौन सा है, रॉन्ग, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, रॉन्ग, हरियाणा के किस ग्रंथ में बहुत धान्य कहा गया है, हरियाणा के किस ग्रंथ को बहुत धान्य कहा गया है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, 20 जून, रॉन्ग, पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हरियाणा के किस शहर में की गई, राइट, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है, राइट आंसर, किस राज्य को गेहूं की कटोरी के नाम से जाना जाता है, गेहूं की कटोरी, रॉन्ग, राज्य है, केएमपी का पूर्ण रूप क्या है, केएमपी का पूर्ण नाम, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई, पहले से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, थैंक यू मैडम शिवाली, आपने बच्चों को थोड़ा सा पुस्तक किया, जस्मिन टीम फोर्थ जस्मिन एंड नाउ इट्स फॉर टीम फाइव ट्यूलिप, आर यू रेडी, प्लीज आप प्लीज बिल्कुल की क्वाइट रखें, लेट्स स्टार्ट, एटलस फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में है, राइट, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, हरियाणा का सर्वोच्च, हरियाणा के कैबिनेट का प्रधान कौन होता है, हरियाणा के कैबिनेट का प्रधान, रॉन्ग, लोकसभा में हरियाणा की तरफ से कितनी सीटें जाती है, राइट आंसर, हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है, हरियाणा का एकमात्र महिला विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, एकमात्र महिला विश्वविद्यालय पास, हरियाणा के किस शहर को दीपक नदी कहा जाता है, राइट, हरियाणा की ओर से संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, रॉन्ग, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक को किस वर्ष में पारित किया गया, 10 questions completed and I think time is over and they right are four questions. So clapping for team Tulip. Audience, सही चल रहा है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आपको, next and final for team six Marigold, क्या होता है Marigold, गेंदा फूल, चलो सुना देंगे ना एक गीत भाई से, चलो लेट्स स्टार्ट, मैडम शिवाली राइट नाउ, अभी 26 नवंबर को स्कूलों में कौन सा दिवस मनाया गया, 26 नवंबर को स्कूलों में कौन सा दिवस मनाया गया, निम्न सदन किसे कहा जाता है, निम्न सदन, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, 1526 राइट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, गुजरी महल कहाँ है, हरियाणा की औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं, मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, राइट, खिजरा खां का मकबरा कहाँ है, खिजरा खां का मकबरा कहाँ है, हरियाणा की राज्यसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं, रॉन्ग, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम, दो राइट,
टू राइट आंसर फ्रॉम टीम सिक्स मैरी गोल्ड। हाँ,